सोलरेबल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल के बारे में, यानी कि कौन सी कंपनी के हमें सोलर पैनल खरीदने चाहिए। तो यही टॉपिक है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, कौन सी कंपनी के खरीदने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सोलर पैनल खरीदने से पहले देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल हाल फिलहाल में जो कंपनीज है। मार्केट में लगभग सोलर की 100 से ज़्यादा कंपनी होगी, उनमें से कुछ कंपनी के लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप क्या जानते हैं इनमें से कुछ कंपनी ही ऐसी है जो खुद सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी जितने भी कंपनी है उनकी कुछ 5 से 6 प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि कंपनी का ठप्पा अलग अलग होगा लेकिन प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा। इसे अगर और बारीकी से समझे तो भारत के अंदर ज़्यादातर जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पे सोलर पैनल को असेंबल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रेम, टेम्पर्ड ग्लास, सोलर सेल, यहाँ पे बस बार, जंक्शन बुक, सारी चीज़ें क्या होती है अलग अलग कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक जगह पर ये आती है और इन्हें क्या होता है कि असेंबल करके कंपनी के नाम के साथ भेज दिया जाता है। सेम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बैटरी वगैरह जो रोम स्क्रीन सारी चीज़ें क्या होती है अलग अलग कंपनी एक जगह पर पहुँचाती है और वहाँ पर असेंबल करके मोबाइल को बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पे सोलर पैनल के अंदर आपको जो चीज़ें कुछ ध्यान रखने की होती है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो सोलर सेल। सोलर सेल यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, बिजली का जो भी प्रोडक्शन होगा वो सोलर सेल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपका सोलर सेल पॉलीक्रिस्टलाइन है, मोनोक्रिस्टलाइन है, बाईफिशियल है, हाफ कट है, इन सारी चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन कम ज़्यादा होता है। इसके साथ ही सोलर सेल के अंदर ग्रेड सिस्टम भी होता है, यानी कि ए ग्रेड के सोलर सेल, बी ग्रेड के सोलर सेल, सी ग्रेड के सोलर सेल। जो बेस्ट क्वालिटी के सोलर सेल होंगे यहाँ पे ग्रेड के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ का भी यहाँ पे को ध्यान रखना होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आपको ए ग्रेड के सोलर सेल ही मिले। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं वो होती है सोलर पैनल की जो एल्यूमिनियम फ्रेम है, इसे एल्यूमिनियम फ्रेम की जितनी ज़्यादा आपको थिकनेस देखने को मिलेगी उतना ही आपके पैनल की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतली आपने कई पैनल के अंदर देखा भी होगा कि जो एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है वो काफ़ी पतली लगा दी जाती है, काफ़ी उसकी थिकनेस कम होती है, जिससे आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि सोलर पैनल की लाइफ कम हो जाती है। कई बार सोलर पैनल की फ्रेम वहाँ से मुच जाती है, टूट जाती है, तो यहाँ पे ये लॉस भी आपको हो सकता है। इसलिए आप पैनल की जो फ्रेम है उसे पहले देख सकते हो, उसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे वो होता है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स क्या होता है कि काफ़ी सारी रेटिंग का आपको आईपी रेटिंग का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आईपी 67 और 68 ये दो ही रेटिंग है जो हमारे लिए बेस्ट है। हमको अगर आईपी 67 होगा जिसका मतलब है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पानी वगैरह, धूल, डस्ट या कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं जाएगी, और अगर हम आईपी 68 मिलता है, जो आने वाले अभी के टाइम पे कई बार सोलर पैनल है जिसके अंदर आपको आईपी 68 रेटिंग का यहाँ पे जंक्शन बॉक्स देखने मिलेगा, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो आईपी 68 हो या फिर आईपी 67 आपको जंक्शन बॉक्स देखने को मिले। इसके बाद में सोलर पैनल के अंदर लगने वाला टेम्पर्ड ग्लास, ईवीएफ फॉइल और जो बैक शीट होती है, ये एक एक दो दो कंपनी है जो पूरे भारत के अंदर इनकी सप्लाई करती है। आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल खरीद लीजिए, आपको इन्हीं कंपनी के या देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर आपका एक कंपनी का सोलर पैनल की अगर टेम्पर्ड ग्लास टूट जाता है तो मतलब सेम चांस यहाँ पे कि अगर आपने दूसरी कंपनी का भी सोलर पैनल खरीदा होगा तो उसका भी कांच टूट सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर आप कभी भी किसी कंपनी को वो नहीं कह सकते कि इसका सोलर पैनल का कांच कच्चा है, ये है वो चीज़, ये मोस्ट प्रोबेबली हर कंपनी का एक ही कंपनी के अंदर बन के आता है। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि अगर जो सोलर पैनल है वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है या बाहर से कहीं से बने हुए, काफ़ी सारी कंपनी है जो मंगाती है, तो उस केस के अंदर ये हो सकता है कि उसकी क्वालिटी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले। तो इसलिए बेस्ट यही होता है कि आप जो भी सोलर पैनल खरीदें वो मेड इन इंडिया हो। लास्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं आप कौन सी कंपनी के सोलर पैनल खरीदेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के सोलर पैनल खरीद सकते हैं। आपको कुछ तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे ध्यान देने की है। पहली चीज़ क्वालिटी। अगर आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल बाय कर रहे हैं तो आपको पहली चीज़ देखनी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्वालिटी और फिनिशिंग। प्रोडक्ट आपको A1 क्वालिटी का दिखना चाहिए, उसके अंदर फिनिशिंग के अंदर अगर आपको इश्यू देखने को मिलेगा तो जिसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा। तो पैनल की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग का आपको पहले ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है वारंटी। मोस्टली कंपनी आपको बोलती है कि हमारे सोलर पैनल के ऊपर आपको 25 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन किसी भी कंपनी के सोलर पैनल पे आपको 25 साल की वारंटी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो वारंटी होती है वो केवल 10 से 12 साल की होती है,
वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है, और जो 25 साल की वारंटी बोली जाती है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस वारंटी होती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वारंटी आपको 10 से 12 साल की ही मिलती है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये है कि वो कंपनी 10 से 12 साल क्या चल पाएगी, क्योंकि मार्केट में आए दिन कोई नई कंपनी आती है और मुनाफा कमा के मार्केट से निकल जाती है। तो ऐसी अगर आप किसी चल्लू कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट तो लगवा लिया लेकिन 2-3 साल में कंपनी तो चलेगी, अगर पैनल में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो मेड इन इंडिया हो। अगर चाइना से इंपोर्ट करा रही है, जिसका मतलब यही है कि जैसे चाइना से इंपोर्ट बंद हुआ तो कंपनी भी यहाँ से मार्केट से उठ सकती है। थर्ड यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। काफ़ी सारे लोगों की एक आजकल मेंटेलिटी बन गई कि जितने ज़्यादा हम पैसे यहाँ पे देंगे उतनी ज़्यादा हमें क्वालिटी कंपनी डिलीवर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोलर पैनल खरीद रहे हैं काफ़ी सारी कंपनी की, और ये ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में पैनल को काफ़ी ज़्यादा महंगा बेच देती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको सेम प्रोडक्ट 100 रुपये मिल रहा है और सेम प्रोडक्ट 70 रुपये मिल रहा है, तो आपको ये चीज़ जाँच करनी है कि पैनल सस्ता क्यों और इस कंपनी का पैनल महंगा क्यों है, जिससे आपको प्रॉपर इसकी डिटेलिंग हो, उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।